तो अभी सवेरे हो गया फ्रेंड, अभी मैं जाऊंगी मेरे बेटे को छोड़ने। देख सकते हैं मेरे गाड़ी में, अभी गाड़ी निकालूंगी, बल्कि देख रही हूँ तो ये बिल्ली कहाँ से आके मेरे गाड़ी में बैठा हुआ है। देखिए यहाँ बिल्ली और ये क्या बोलते हैं कुत्ते लोग से परेशान हो गई हूँ। छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे जो है वो पूरे चप्पल जूता को उठा उठा के ले जा रहे थे। मेरे हस्बैंड का दो चप्पल का तो उन लोग खराब ही कर दिए, एक एक ठोकर तोड़ दिया तो दो जोड़ी उसका वेस्ट हो गया। मेरे चप्पल को भी ले जाकर बाहर फेंक दिए थे, पर मेरा पूरा चप्पल ठीक था, बाबा की टूटा नहीं था। तो इन लोग ऐसे आतंक कर रहे हैं। यहाँ से बिल्ली आ गया और ये गेट में थोड़ा सा गैप है, बोल के अंदर आ जा रहा है शायद इन लोग। और ये देख सकते हैं टिफिन के लिए मैं आलू गोभी बनाई थी और पराठा बनाई हूँ टिफिन के लिए। अब मेरा किचन जो फैला है उसको अब समेटूंगी, पहले उसको स्कूल से छोड़ के आ जाती हूँ। अब मेरा किचन को देखिए फ्रेंड, साफ क्लीन कर ली हूँ, जो भी बर्तन था वो साफ हो गया है और किचन पाटा गैस वगैरह भी पोंछ ली हूँ। तो ये देखिए मिट्टी का बर्तन को गर्म पानी से धोई हूँ, जैसे निरमा वगैरह साबुन वगैरह से नहीं धोती हूँ फ्रेंड, इसको गर्म पानी करके ही धोती हूँ। और ये है भथवा भाजी जो मेरा बचा हुआ था, तो भथवा भाजी को आज मैं बना रही हूँ दाल के साथ। और ये है हरा, मतलब ये तुअर है फ्रेंड, हरा तुअर है जिसका हम तुअर दाल बनता है, तो उसे आज मैं आपसे शेयर करूँगी उसकी एक नई रेसिपी जो है हरे तुअर की आमटी। बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड और चटपटा भी होता है, तो आज उसी की रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो अभी मैं भथवा दाल बना रही हूँ, तो भथवा और दाल को एक साथ पकने के लिए रख देती हूँ और इसमें डाल दूंगी टमाटर, हल्दी और नमक, सभी को डाल के एक साथ पका देती हूँ। और उसके बाद ये बस इसे तड़का लगाती हूँ लहसुन मिर्च और प्याज से। तो कभी कभी मैं भथवा दाल बनाती हूँ फ्रेंड और कभी कभी दाल पालक बना लेती हूँ। तो इसे मैं रख दी हूँ पकने के लिए, 3 से 4 सीटी होने दूंगी। और उसके बाद तो अब मैं आ गई हूँ किचन में फ्रेंड। तो जैसे कि आप लोगों को सवेरे में दिखाई थी कि मैं बना रही थी सॉरी मतलब भथुआ और दाल, मैं ज़्यादातर फ्रेंड अभी सीजन है तो ज़्यादातर कभी कभी दाल फ्राई करती हूँ जब टाइम कम रहता। तो और अति तक कोशिश करती हूँ कि भथुआ या फिर पालक दाल में डाल के उसे फ्राई करूँ, क्योंकि मेरे बेटे को जो है दाल फ्राई पसंद है। और कभी कभी सब्जियाँ खाने में पता नहीं बहुत ज़्यादा नाटक करता है, लेकिन जब वो छोटा था तो हर सब्जी बड़े इंटरेस्ट से खाता था, चाहे कुछ भी सब्जी हो। यहाँ तक कि नर्सरी क्लास में डेली उसके लिए मैं थोड़ा सा सब्जी बनाती थी, पर जैसे जैसे बड़ा हो रहा है बहुत ज्यादा नखरे करने लग गया है, सब्जियों का नाम पूछेगा और उसके बाद खाने के लिए एकदम नाटक करेगा कि मैं खुद परेशान हो जाती हूँ। तो इसीलिए कभी कभी उसे थोड़ा सा अलग अलग ट्राई कर करके देती रहती हूँ। और दाल तो खाता ही है, तो दाल के लिए हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि भाजी खाने खिलाने का तरीका वही है कि दाल में डाल दिया जाए, तो भथवा भी बहुत हेल्दी भाजी होता है, तो इसलिए मैं उसको दाल में डाल देती हूँ। पालक को भी दाल में डाल के बनाती हूँ, तो दाल फ्राई के साथ साथ वो आसानी से खा लेता है। तो वही मैं आज भथवा भाजी जो मेरा थोड़ा सा बचा था उसको ही दाल में डाल के उसको फ्राई करने के लिए पका ली हूँ। और अभी मैं आप लोगों से एक नई रेसिपी शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड, जो कि है तुअर, हरा तुअर, मतलब जो तुअर दाल जो बनता है ये उसका बीज होता है। तो इसका बहुत बहुत सारा रेसिपीज बनता है, सब्जी बहुत टेस्टी बनता है। उसे हम आलू गोभी में भी डाल के बना सकते हैं या पत्ता गोभी में डाल के बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। या टमाटर का चटनी जो बनाते हैं वहाँ पर भी हम इसे डाल के बनाते हैं। तो आज मैं इसे आलू के साथ बना रही हूँ फ्रेंड, जो बहुत टेस्टी लगता है। तो ज़रूर आप मेरी वीडियो को देखिएगा और अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। तो चलो फ्रेंड अभी वही मैं भी जल्दी जल्दी बना लेती हूँ दोपहर के लिए। तो दाल को पहले मैं तड़का लगाती लेती हूँ फ्रेंड। तो इसके लिए देखिए तेल गरम कर रही हूँ, इसमें मिर्ची लहसुन और प्याज डाल दूंगी। तो हरी मिर्च मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैं मिर्ची पाउडर थोड़ा सा डालूंगी यहाँ पर। तो तेल मेरा अच्छे से गर्म हो गया है, तो थोड़ा पहले जीरा डाल देती हूँ और थोड़ा सा हींग, और उसके बाद डाल देंगे प्याज और लहसुन को भी कट करके जो रखी हूँ वो। बहुत टेस्टी बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा भथवा की ये वाली रेसिपी जो है आप भी। तो जब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, और उसके बाद इसमें दाल जो हमने पका के रखा है उसे डाल देते हैं। और उसके बाद जब अच्छे से बॉईल हो जाएगा फिर हम गैस को बंद कर देंगे। ये जो दाल है गाढ़ा गाढ़ा बनने में ही बहुत टेस्टी लगता है। तो ये देखिए मेरा दाल कितना अच्छा बना है, गाढ़ा गाढ़ा बना है फ्रेंड। तो इसको ऐसे ही अच्छे से गाढ़ा गाढ़ा ही बनाइए तो ज़्यादा टेस्टी लगता है, एकदम पानी पानी मत बनाइए। वैसे थोड़ी देर बाद और ये गाढ़ा हो जाता है जब ठंडा होता है। तो अब चलो अब हम बनाते हैं अब सब्जी। तो सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक मिट्टी का जो बर्तन है उसे गर्म कर रही हूँ, उसमें डाल दूँगी थोड़ा सा सरसों तेल। तो सरसों तेल 1.5 से 2 चम्मच डालती हूँ छोटा चम्मच में। और उस जब तेल गर्म हो जाएगा तो जो हरा
राहेर या फिर जिसे तुअर बोलते हैं वो रखा है, उसे हम हल्का सा इसमें भून लेते हैं तेल में। जब ये तेल में अच्छे से भून जाएगा तब इसे हम निकाल लेंगे। और इधर मेरी दाल भी जो है बॉईल हो रहा है, देखिए अब हम गैस को बंद कर देते हैं। तो मेरे दाल पालक सॉरी दाल और ये भतवा तैयार हैं। और इस मसाले के लिए फ्रेंड 2 टमाटर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, आधा प्याज और 8-10 लहसुन की कलियाँ, और ये जो हरा धनिया होता है वो ले ली हूँ। इसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। और ये देखिए मेरा ये जो तुअर है ये भून चुका है, उसे अब मैं निकाल लेती हूँ एक बर्तन में। और इसी में अगर तेल है तो ठीक है फ्रेंड, और नहीं है तो थोड़ा सा तेल हम और डाल देंगे। और आलू जो कट करके रखी हूँ उसे मैं डाल देती हूँ। तो मैं यहाँ पर आलू और तुअर की सब्जी बना रही हूँ फ्रेंड, बहुत टेस्टी बनता है। आप चाहो तो तुअर तुअर बस कभी बना सकते हो, पर आलू डालोगे तो और ज़्यादा टेस्ट आता है। और इसे हल्का सा हम क्रश कर लेंगे, जो तुअर हमने भून के रखा था उसे हल्का सा क्रश करना है, एकदम पीसना वीसना नहीं है मिक्सी में, बस इसको दबा दबा के ऐसे फोड़ देना है थोड़ा सा। तो देखिए तेल गरम हो गया है, आलू भी मेरा भुन चुका है। अब हम सब्जी बनाने के लिए जो मसाला जो तैयार किया है ग्रेवी, उसे इसमें भुनेंगे। तो देखिए तेल गरम होने पर हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सरसों और थोड़ा सा हींग। हींग ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ फ्रेंड हर सब्जी में डालने की, क्योंकि बहुत अच्छा टेस्ट आता तो है और साथ में पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर हर जगह हींग इस्तेमाल करती हूँ। और जब ये गर्म हो जाएगा अच्छे से, तब हम इसमें डाल देंगे जो पेस्ट बना के रखे थे अदरक मिर्ची टमाटर प्याज वगैरह का, वो वाला पेस्ट हम यहाँ पर डाल देते हैं। और इसे अच्छे से भूनते हैं जब तक ये तेल छोड़ने ना लगे, ये जो मसाला है। हरा धनिया के दिन में यहाँ पर हरा धनिया यूज़ करती हूँ फ्रेंड, और नहीं है धनिया फर वाला हरा धनिया तो वहाँ पर मैं धनिया पाउडर लेती हूँ। जब मसाले अच्छे से थोड़ा भून जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे सूखे मसाले। तो सूखे मसाले में यहाँ पर मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा काश्मीरी मिर्च। काश्मीरी मिर्च से कलर बहुत अच्छा आता है इसलिए डाल रही हूँ, और थोड़ा सा जीरा पाउडर भी यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। और उसके बाद हम इसे अच्छे से भून लेते हैं। जब मसाला हमारा अच्छे से भून जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो पानी इसमें करीब 1 गिलास के करीब डाली हूँ, और इसमें मैं डाल दूँगी जो भून के रखी थी जो हरा तुअर और आलू, उसे इसमें डाल दूंगी। और थोड़ा सा यहाँ पर मैं डाल रही हूँ मूंगफली का पाउडर। मूंगफली का पाउडर तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और मूंगफली का पाउडर अगर नहीं है तो तुरंत आप मूंगफली भून के मसाले के साथ भी पीस सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए आलू और तुअर को डाल देती हूँ, और इसे अच्छे से बॉईल होने तक हम इसे पकाते हैं। और डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो बस सभी चीज़ जला गया है, बस अब इसे अच्छे से पकने दीजिए। जब ये अच्छे से पक जाएगा और अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा तो हम गैस बंद कर देंगे, और इसमें डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। तो धनिया का सीजन है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा मिलता है इसमें, थोड़ा ज़्यादा डाल देती हूँ। तो मेरा सब्जी तैयार है, अब मैं कर देती हूँ गैस को बंद। तो अभी हो गया है शाम, और हम लोग अभी सो के उठे हैं फ्रेंड्स। अभी बज रहा है 6:20, तो 6:20 को उठे हैं। मुझे सोते सोते वैसे आज 4 बज गया था, 3:30 को सोने चले गए थे, पर 4 इसलिए बज गया फ्रेंड, मैं सब्जी वाले से मंगाई थी आंवला, तो उसी को देख रही थी कि शायद आ जाए। पता नहीं आज कैसे नहीं आया, कभी कभी वो 1 बजे कभी 2 बजे, पता नहीं बाद में आया होगा तो, क्योंकि मेरा नींद लग गया था बहुत ज़्यादा, मुझे भी नींद आ रही थी यार, तो सो गई थी। और मैं उसे आंवला मंगाई थी करीब 4-5 किलो ले आना बोल के। तो आंवला का मुझे बहुत सारा वीडियो और बनाना था, रेसिपीज बनाना था साल भर के लिए स्टोर करने के लिए। तो आंवला मैं मंगाई थी पर वो पता नहीं आया कि नहीं आया, उसी के लिए देखने के चक्कर में मैं 4:30 को ही सोई हूँ, तो मेरा नींद एकदम लग गया। तो अभी मैं उठी हूँ 6:20 को, और उठ के मेरे बेटी को भी उठाई हूँ कि उसको पढ़ना है, तो वो भी उठा है और बस बाथरूम में गया है फ्रेश होने। और अभी मैं किचन में आई हूँ, किचन में मैं आई हूँ फ्रेंड चाय बनाने के लिए। तो मैं मेरे और मेरे मिस्टर के लिए बनाऊंगी अदरक वाली चाय। मेरे मिस्टर जब रहते हैं उसको दूध की चाय ज़्यादा पसंद आता है, नहीं तो मैं लाल चाय बना लेती हूँ गुड़ वाली। तो अभी मैं दूध का चाय अदरक वाली ही बनाऊंगी। और देख रही हूँ फ्रेंड कि थोड़ा सा चावल बचा हुआ है, तो कुछ नाश्ता बनाने की सोच रही थी। तो चावल बचा हुआ है फ्रेंड, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम सीजी के लोग ज़्यादातर चावल को वेस्ट नहीं करते हैं। चावल अगर बचा रहता है तो उसे या तो मोटा रोटी या तो मुठिया या फिर फ्राई कर लेते हैं। तो मेरा भी थोड़ा सा चावल बचा है, तो उसे मैं सोच रही हूँ कि उसे मैं मोटा रोटी या मुठिया कुछ भी बना लूँ नाश्ता, जो अभी चाय के साथ हो जाएगा। और रात में फिर मैं बनाऊंगी जो मेरा सब्जी बना था हरे तुअर का,
उसे बाजरे की रोटी के साथ ज्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड। और दोपहर में मेरे मिस्टर जो रहते हैं ज्यादातर चावल पसंद करते हैं, और खासकर ऐसा ग्रेवी वाला सब्जी जब रहता है तो उसको चावल ही अच्छा लगता है। लेकिन मेरे बेटे को जो ग्रेवी वाली कोई अच्छी सब्जी है, जैसे पनीर का सब्जी हो गया या कोई भी, तो उसे रोटी चाहिए या फिर तंदूरी रोटी चाहिए या फिर मतलब कोई भी रोटी चाहिए, पर रोटी चाहिए। तो वही मैं सोच रही हूँ कि अभी रात को ही बाजरे की रोटी बना लेते हैं, क्योंकि बाजरे की रोटी और ये जो आमटी होता है उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। तो रात को मेरा हो जाएगा डिनर, और लंच में हो गया था चावल के साथ आमटी, तो दो बार हम लोग उसे खा लेते हैं, अलग अलग टेस्ट में मिल जाता है। तो चलिए फ्रेंड, आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा। और अभी आपको मैं दिखा देती हूँ चावल आटा, और ये जो निकाल के रखी हुई हूँ, तो ये देखिए फ्रेंड, ये चावल आटा है। उस दिन मैं पिसवाने के लिए दी थी या साफ की थी, आप लोग देखे थे, तो चावल भी मेरा पीस के आ गया और मेरा गेहूं भी, तो ये थोड़ा सा चावल बचा है इतना सा। तो फ्राई करने से भी सभी को तो होगा नहीं, हम तीनों को, तो इसलिए इसको मैं या तो मटर रोटी या तो इसे मैं बना दूंगी मुठिया। तो थोड़ा सा चावल आटा के साथ हल्का सा नमक डाल के बस इसे आटा तैयार करते हैं, और उसके बाद इसे हम जो चाहे वो बना लेते हैं। तो एकदम इजी होता है फ्रेंड, वेस्ट भी नहीं होता है, और आपका टेस्टी नाश्ता भी तैयार हो जाता है। आप अगर नहीं किए होंगे तो जरूर ट्राई कीजिएगा, हमारा सीजी में तो हर घर में ये जरूर बनता है, हमेशा बनते रहता है। कोई चावल अगर बच जाता है तो, क्योंकि सीजी के लोग चावल खाए बिना रहते नहीं है, चावल तो बनाना ही पड़ता है, तो चावल बनाओगे तो बचेगा भी थोड़ा सा, तो उसका यही यूज करते हैं फ्रेंड, एक नाश्ता तैयार हो जाता है टेस्टी। तो बस थोड़ा सा पानी लेके सानती हूँ इसको। वैसे आप लोगों से मैं इसकी वीडियो तो शेयर की हूँ, जरूर देखिएगा, चावल आटे की रेसिपी और सीजी ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो ये सभी को अच्छे से आटा गूंथ लेते हैं फ्रेंड, ये देखिए पानी लेके, और उसके बाद इसे रोटी बना देंगे। चाहो तो आप पतला बना लीजिए या फिर मोटा बना लीजिए, जैसे भी बना लीजिए। इसका रेसिपी वैसे मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल में, तो इसको मैं पतला रोटी थोड़ा सा बना लेती हूँ हाथों से फैला के। चाहो तो आप बेलन की भी सहायता ले सकते हो। और उसके बाद तवा गर्म करके इसे डाल देते हैं, और दोनों साइड से हम इसे क्रिस्पी सेक लेते हैं। और चाय भी बनने रख दी हूँ, और तब तक यहाँ पर गैस के नीचे थोड़ा सा जो गंदा है आटा उसे थोड़ा सा पोंछ लेती हूँ, और चाय मेरा बन जाएगा। तो फिर चाय और ये रोटी को अभी, ये देखिए चाय भी बन गई, इसे डाल देती हूँ और ये रोटी तैयार है। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरा शाम के टाइम का नाश्ता हो गया तैयार। अब मैं यहीं पर अपनी वीडियो को खत्म कर रही हूँ। कैसा लगा जरूर बताइएगा आज का मेरा ब्लॉग जो है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और जो रेसिपी मैं शेयर की हूँ तो जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, ओके बाय।